और इनका जब से मैं सुना हूं, क्या मैं बताऊं, शरीर में एक अलग सी उमंग आ गई है। सुनना चाहते हैं आप लोग? ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे कौन करता हमारे यहाँ? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे यहाँ बताएंगे बीमार लोग, इनका ध्यान से सुनिएगा, हर चीज में सुधार हो गया, दिखते भी तो हीरो है, लेकिन गड़बड़ी यही हो गया कि इनका काम की प्रेशर भी बढ़ गई। 2 साल से बैठे हुए थे तो ज्यादा काम पे ध्यान देना पड़ रहा है। सर आपने आया तब क्या समस्या लेके आए थे? सर पहले नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मधुकर पावने है। हाँ। मेरी उम्र 52 है। 52 है। हाँ जी। मुझे सही सर्वाइकल की प्रॉब्लम यहाँ से लेकर पीछे तक काफी दर्द हुआ। हाँ। अभी मेरे को 4-4.5 साल से। कितना साल से? सर 4-4। 4.5 साल से। इसके लिए आपने क्या क्या किए थे? इसमें मैं एमसी गया। काफी दर्द इलाज किया। हाँ। कोई कोई फायदा नहीं। उसके बाद उसके अलावा और तो कुछ इलाज कराए होंगे कि छोड़ दिए? वो सिटी स्कैन हुआ, इलाज हुआ, एम्स में ठीक नहीं हुआ क्या हम छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं छोड़े होंगे 4.5 साल से? फिर कहीं तो गए होंगे? बहुत डॉक्टर है। ये बताइए आप कितने डॉक्टर के पास लगभग गए? कम से कम मेरे खाते 6-7। 6-7 डॉक्टर ने फिर क्या किया जब आप डॉक्टर होते हैं उसके ब्रेन के जो सर्जन होते हैं वो उसके पास गए? फिर क्या बोला आपको? तो बोलो तो दवाई खाओ। दवाई खाओ और बस कुछ दवाई खाओ। क्या प्रॉब्लम क्या बताया था? प्रॉब्लम ये की नस की आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे नस है नस। हाँ। जो खींचा गई है जो भी है। उसके बाद सर सेरा नहीं मा पाए, पर 9 डॉक्टरों ने दिखाया, डॉक्टरों ने बोला दवाई खाते रहो, इनको भी एक वो हो गया होगा कि अब जिंदगी भर तो दवाई खाना ही पड़ेगा। सर आपने सिर दर्द की वजह से काम कर पाते थे? सही बताना। नहीं कर पाता था, काफी दर्द होता था। हाँ। बैठ नहीं पाता, मैं टोटल काम कंप्यूटर में बैठा रहता था 8 घंटा 10 घंटा। माइग्रेन घंटा, माइग्रेन का पापा ये दादा यानी बड़ा रोग बोला जाए, सही नहीं? नहीं मैं दादा बोला तो इन्होंने बोला सही बात है, यानी बड़ा रोग था माइग्रेन। कई मेरे को महिलाएं पर क्वेश्चन पूछती है माइग्रेन यहाँ पे ठीक होता, इसीलिए मैं बोला माइग्रेन से बड़ा रूप ठीक हो गया। फिर सर यहाँ आए सेरा जिम, कितने दिन में आपको फायदा मिलना शुरू हो गया? मेरे को कम से कम 15 दिन तक असर दिखना शुरू हो गया। 15 दिन में असर शुरू हो गया। उसके बाद सर उसके लिए जब इलाज करा रहा था तो डॉक्टर ने बीपी की गोली दी है, मतलब बीपी की गोली, मेरे बीपी हमेशा 170-190 कंटिन्यू रहता था। फिर मैं यहाँ पे आया। सर सिर के दर्द के कारण से क्या गोली खाना पड़ रहा था? बीपी का। उसके बाद सर तो धीरे धीरे फिर जैसे यहाँ आना शुरू किया, धीरे धीरे मिलिया तो धीरे धीरे बीपी नॉर्मल हो गया। बीपी नॉर्मल हो गया। एक बार जोर से ताली, सिर दर्द नॉर्मल, बीपी नॉर्मल। और सर क्या बदलाव है? करीब 4 महीना हो गए बीपी गोली नहीं खा रहे। 4 महीने से बीपी की गोली नहीं खा रहे। ऐसा व्यक्ति को आप सुने हैं कि एक बार बीपी हो जाए तो फिर 4 महीने बिना खाए बीपी की गोली करा जाए? क्यों बोला? अभी मेरे बीपी नॉर्मल, हफ्ते में एक बार चेक करता हूँ। हफ्ते में एक बार चेक कराते हैं नॉर्मल। हाँ जोरदार तरीका, नहीं सॉरी जोरदार एकदम इफेक्ट। सर ये बताइए आपको, मैंने एक दिन 6 नंबर की एक मोड होती है D3 में, वो किसके लिए होता है? पति पत्नी के लिए मोड। किसके लिए होता है? वाइफ और हस्बैंड के लिए। मैं यहाँ पे बातें करूंगा शॉर्ट में, और कहावत है इंसान के लिए सारा ही काफी है। अब समझ जाना सर, आपको 6 नंबर की मैं मोड़ दिया उस दिन, आपको क्या बदलाव आया सर एक बार जरूर बताइएगा। 5.5 महीने है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इग्नोर करते हुए, समस्या है, समस्या को देखते हुए, समस्या को जब तक नहीं बताएंगे, क्योंकि समाज में यह समस्या छुपी हुई है, और इसके कारण से भी मैंने एक बार बता दिया कि कई लोगों की मौत हो चुकी है सर। तो ये समस्या आखिर समस्या ही है, आपको देख के लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, इस सोच से आप बोलेंगे सर। हाँ सर, मैंने जो 6 मोड दिए थे। हाँ। समस्या तो नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम टेंशन के कारण आदमी जो पति पत्नी जो रिलेशन होता है। हाँ। वो थोड़ा सा गैप हो जाता है। हाँ। टेंशन की वजह से। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक थेरेपी दी 6 मोड की। 6 मोड की, तो 6 मोड की जो थेरेपी ली, तो उसने एक ऊर्जा मुझे मिली, एक नई ऊर्जा मिली। वो ऐसे होता है की जब जैसे जो 18-19 साल के बच्चे लोग जो यानी कम उम्र के लोगों के लड़के को जो इच्छा होती है, वो इच्छा इनके साथ होती है। काफी मतलब चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ, काफी अच्छा लगा जो समय उस समय गुजरा। और उसके बाद मैं कैसा प्रॉब्लम भी थी उसकी
उससे लेके तो सब समझ अलग अलग, यानी वो संपत्ति पत्नियों के बीच का जो संबंध की प्रॉब्लम भी थी वो अभी समस्या खत्म हो गई। अब भी अगर मौल आ जाए तो इन्होंने उम्र कितना बताए थे, कितना 58 52 52 अभी क्या फीलिंग कर रहे हैं सर, कितने साल के हैं आप लग रहे हैं? मैं सर बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ, मेरी उम्र कई लोग का देखे मेरे साथ देखे भी है। जो मेरे साथ, मैं एक बार और बताता हूँ जो ये गुप्त बात है, इनका दोस्त इनका क्लास फ्रेंड शुरुआत में आ रहे थे, मैं बोला आप अपने पिताजी को लेकर आए हो, बोला इन्होंने पिताजी नहीं है ये मेरा दोस्त है। मैंने इनको फिर क्वेश्चन किया कि आपके पिताजी नहीं है आपके दोस्त है, ये पहला क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ कि कोई और भी किया है? बोलता हाँ सब ही ने किया है, वो बुजुर्ग दिखते थे ये छोकरे दिख रहे सही नहीं। उनको ट्रायल रिक्शे पे बैठा के लेकर गया था, लाया जा रहा था और ये मजे कर रहे हैं। अभी सर आपको 6 नंबर का मोड़ दिया, आपको नहीं लगता है कि 10-20 साल और कम हो गया आपको उम्र? बिल्कुल लग रहा है सर। हाँ देखिए यहाँ आया तो थोड़ा तो फर्क पड़ा, ऐसा लग रहा है कि मैं 5-10 साल पीछे हूँ। आज भी लोग कहते हैं जिस उम्र में बता रहे उसमें क्या रखते नहीं हूँ। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ में आते सर घर पर, सर तो अनिता में मैं यहाँ, उन्होंने मुझे उनको अंकल बोली और मुझे भैया बोले। उस दिन से वो आना ही बंद कर दिए कि मैं तेरे सामने भी नहीं जा सकता। फिर सर एक बात और, आपको मैंने गिफ्ट में आई कवर दिया हूँ, ये बोलने का तो नहीं था लेकिन आपको गिफ्ट में मिला है, आपने कुछ अच्छा काम किए हैं। सर आई कवर से क्या फायदा मिला आपको? मेरा चश्मे के नंबर ऐसा पहनता हूँ, अभी मेरे को ज्यादा नहीं है, 2 महीने में बनाए हुए। अब ये चश्मा मुझे धुंधला दिख रहा, आप लोग साफ दिख रहे हैं। चश्मा लिया ये मुझे धुंधला लग रहा है, सारे चीजें आपके चश्मा लिया हूँ और पहनो तो धुंधला लगता है पर आप लोग मुझे साफ नजर आ रहे हो। ये मेरे को आई कवर भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो रहे हैं बस, और उसको रात को मिला पहन के सो जाता हूँ, रात उस पहने रहता हूँ आई कवर, हाथ में लगा के पूरा सो जाता हूँ रात तक। आँख में बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। हाँ सर और आँख में क्या बदलाव आया इसके अलावा? बच्चे से कंप्यूटर, आज मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ वो भी साफ दिख रहा है, लोग साफ दिख रहे हैं, थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ, फोटो देख पा रहा हूँ, मैं तो बेगर चश्मे के लिए देख पा रहा हूँ। आज गाड़ी में चला रहा हूँ, कई लोग मैंने सामने से पूछे जाते थे मैं पहचान नहीं पाता था, अगर बेगर चश्मे ही चला पाता पहचान लेते हैं।